जब से CUET का हवा चला है ना भाई, इसमें बच्चों को बहुत परेशान करके रखा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत पता है किनको हुई है? लेटरल एंट्री वालों को, खासकर जो यूपी से लेटरल एंट्री बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको बड़ी दिक्कत हुई है। यूपी वाले कभी क्या करते हैं, लेटरल एंट्री से एग्जाम करवा देंगे, कभी UPCET नाम का एग्जाम करवा देंगे, कभी बोलेंगे हम भैया CUET में पार्टिसिपेट करेंगे। हर साल नियम चेंज, इस केस में बड़ी दिक्कत होती है भाई। और आई कैन अंडरस्टूड योर पेन, मुझे पता है भाई तुम किस स्तर से गुजर रहे हो। और ये CUET के नाम पे पता नहीं यूट्यूब पे क्या क्या बवाल चल रहा है भाई। जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहिए बच्चों को, फैक्ट देना चाहिए, श्योर होने के बाद से ही देना चाहिए। अब मसला ये कि जो लोग भी आराम से अपना बीटेक लेटरल एंट्री में, बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर AKTU से बी फार्मा करना चाहते हैं, या CUET के थ्रू किसी भी कॉलेज में बी फार्मा करना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। तो अगर आप लेटरल एंट्री बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं CUET के थ्रू, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वैसे ही पता है आपको कि हम ऐसे ही मतलब कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं, पूरा फैक्ट के साथ ही बनाते हैं, पूरा का पूरा ऑथेंटिक डाटा ही रहता है। फिर भी अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिए। लेकिन आज की जो ये वीडियो है ना, इसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि लेटरल एंट्री में कौन कौन से यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, उसका कट ऑफ लगभग लगभग क्या जाने वाला है, और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, और आपकी फीस क्या रहेगी हर एक कॉलेज में। मेन चीज है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है और उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फिर तो वो आपके लिए, आप उस यूनिवर्सिटी को कंसिडर ही नहीं करेंगे। और अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते चलिए। पूरे यूट्यूब पे इलेक्ट्रल एंट्री का बेस्ट वीडियो है। अगर आप इसे देखते हो लास्ट तक, तो आई एम डैम श्योर कि आपको कहीं और लेटरल एंट्री के लिए किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सिर्फ मेरी वीडियो देख के आप पूरी काउंसलिंग कर लोगे। ठीक है, चलो भाई तो हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो पहला जो है, जो जिसमें सबसे लेटरल एंट्री अगर आपको करना है, तो सबसे ज्यादा जिसमें कॉलेज है ना, वो है अपना AKTU। वो कौन है भैया? अपना AKTU है। AKTU की फीस लगभग 50,000 से लेके 1-1.5 लाख तक वेरी कर सकती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी है, एडेड कॉलेज भी है, और प्राइवेट कॉलेजेस भी है। बात समझ में आई? अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या थी? AKTU की एलिजिबिलिटी थी या तो आप जनरल टेस्ट के साथ साथ आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, एंड साथ ही में मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स में अपना एग्जाम दिए हो, और AKTU मतलब आप CUET का फॉर्म भरते वक्त आपने AKTU को भी उसमें मेंशन किया है, तो आप AKTU के लिए 100% एलिजिबल हो। दो एलिजिबिलिटी है, पहला तो आपने इन सारे सब्जेक्ट से एग्जाम दिया हो, और दूसरा एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपको साथ ही साथ बताते चलता हूँ, कि जो आप CUET का एग्जाम दिए थे उसमें जो यूनिवर्सिटी आपने चूज किया था, उसमें आप AKTU चूज करे होने चाहिए। अगर आपने उसमें AKTU चूज नहीं किया है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। आई थिंक आर यू गेटिंग अ पॉइंट। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो दैट इज MMUT। MMUT इसकी फीस लगभग लगभग 96,400 है, हॉस्टल वॉस्टल सब मिला के। और इसमें जो फीस है कंप्यूटर साइंस, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो दैट इज योर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग ग्राफिक, ठीक है, एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट। देखो कंप्यूटर या इंजीनियरिंग ग्राफिक में कोई एक होना चाहिए, और जनरल टेस्ट मस्ट है, एंड मैथमेटिक्स इज आल्सो मस्ट। उसके बाद HNB गढ़वाल वाला है, बहुत सस्ता कॉलेज है, 11,000 पर सेमेस्टर। अभी अच्छा है कि नहीं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो इसके लिए फिजिक्स चाहिए, मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक चाहिए, या फिर मतलब फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक में से कोई एक चाहिए। मैंने डिटेल में लिखा है, PDF तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को तुम डाउनलोड कर लेना। फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक में से कोई एक होना चाहिए। तो अगर तुमने जनरल टेस्ट नहीं भी दिया था तो भी तुम HNB गढ़वाल के लिए एलिजिबल हो। बस उस वक्त अपना CUET का फॉर्म भरते वक्त यूनिवर्सिटी में तुमको HNB गढ़वाल को भी ऐड करना था कि हम इसमें भी एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि तुम्हारा सारा डेटा हर यूनिवर्सिटी के पास भेज दिया गया है। अगर तुम अभी अप्लाई करने जाओ और तुम्हारा डाटा उनके पास नहीं होगा ना, तो वो तुमको लेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ अगला, तो ये मनु है। इसके लिए भैया उर्दू लैंग्वेज इन लोगों ने मैंडेटरी कर दिया था, तो जो अपने मुस्लिम भाई हैं ये उनके लिए ही है। बाकी अगर आपने उर्दू लिया है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया, तो आप मनु के लिए एलिजिबल हो, बिल्कुल आप यहाँ पे लीट में आराम से ले सकते हो। अब लीट के लिए या तो तुम्हारा BSc होना चाहिए, तुम्हारे पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, या तो डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए।
अगर तुम्हारे पास ये डिग्री है और साथ में तुमने ये सब्जेक्ट चूज कर रखा है और इसके साथ साथ सीयूईटी के फॉर्म में तुमने इसको ऐड कर रखा है, तो इन सारे यूनिवर्सिटीज के लिए तुम एलिजिबल हो। उसके बाद अपना आता है रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, इसके लिए मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक में से कोई एक चाहिए था एंड जनरल टेस्ट चाहिए था। अब कई बच्चों के मन में डाउट ये होगा, अब इसकी फीस काफ़ी आई है, 1 लाख प्लस है। अब कई लोगों के मन में ये डाउट होगा कि भैया एक बात बताइए मुझे, मैंने सिविल से बीटेक करा है, मैं डिप्लोमा करा है, तो क्या मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर सकता हूँ? तो हाँ भैया तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से कर पाओगे। तुम्हें जिस ब्रांच से करना है उस ब्रांच से कर लो, इस बात की छूट है, ठीक है, ICT इस बात की छूट देती है, घबराने की कोई बात नहीं है। चाहे तुमने BSc भी किसी से भी कराओ, कोई मैटर नहीं करता है, तुम किसी से भी बीटेक कर सकते हो, बात समझे। अब चलो हम बात कर लेते हैं डिटेल में MMUT के बारे में और AKTU के बारे में, क्योंकि ये पूरा सेशन जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉलेज AKTU में ही है, तो UP में ही हम ज्यादा बात करेंगे। बाकी अगर तुम्हें कहीं और भी काउंसलिंग करानी है तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, आराम से हम काउंसलिंग कर देंगे। इसके अलावा अगर तुम हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, चॉइस फिलिंग प्लस काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हो, तो तुम हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 799 का एक चॉइस फिलिंग का पैक है, काउंसलिंग का पैक है, काउंसलिंग सपोर्ट का पैक है, तुम इसको ले सकते हो। तुम्हें इसे लेने के बाद से तुम्हारी चॉइस फिलिंग करके हम PDF भेज देंगे जैसे ही तुम्हारा स्टार्ट होगा, और साथ में तुम्हें हम ये भी सजेशन देंगे कि भैया इस काउंसलिंग का ए स्टार्ट हुआ है, मतलब इस काउंसलिंग का ए स्टार्ट हुआ है, जैसे मतलब इस कॉलेज में ए स्टार्ट हुआ है, इस कॉलेज में ही स्टार्ट हुआ है, आप एक काम करो, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं इसकी काउंसलिंग डेट स्टार्ट हो गई, आपको ऐसे भरना है, इतना फीस लगेगा, ये सब भी हम आपको डिटेल में बता देंगे, और मैं मीटिंग खुद तुम्हारे साथ रखूंगा। ये प्राइस जल्दी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, 2-3 दिन में 999 हो जाएगी, तो जिनको जिनको भी लेना है आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ऑलवेज विथ यू एंड आई विल सपोर्ट यू टिल लास्ट राउंड, जब तक मेरे हर एक भाई को कॉलेज नहीं मिल जाएगा तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरी काउंसलिंग करूंगा, तुम्हारी घबराने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आया। अब देखो MMUT में जो ब्रांच है, CS है, EC है, इलेक्ट्रिकल है, IT है, CE है, मैकेनिकल है एंड केमिकल है, इन सारे ब्रांचेस में तुम लेटरल एंट्री ले सकते हो, लेटरल एंट्री ले सकते हो। अब MMUT पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तुम जाके देख सकते हो। उसके अलावा अब हम बात करते हैं AKTU में कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज है। तो ये है AKTU के गवर्नमेंट कॉलेजेस, IIT लखनऊ है, KNIT सुल्तानपुर है, BIT झांसी है, AITH कानपुर है, REC बांदा है, REC अंबेडकर नगर है, REC बिजनौर है, REC कन्नौज, REC सोनभद्र, REC मैनपुरी, REC आजमगढ़, UPTTI, ठीक है, कानपुर वाला, CPET, IIT भदोई और नित्रा टेक्निकल कैंपस। इसके अलावा मैं प्राइवेट में बात करूं तो JSS नोएडा, AKG, KAIT, ABS, गलगोटिया, जेलबजाज, PSIT, ZenoIT, RKZIT एंड NIET है। इसके अलावा तुम IIT वगैरह में भी IIT वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज भी हैं जो तुम्हें एडमिशन देने वाली हैं लेटरल एंट्री में, तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, बरेली वाला, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ वाला, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ख्वाजा निजामुद्दीन एंड शकुंतला मिश्रा, ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं। और तुम्हारी रैंक जो भी हो, तुम एक बार ना मुझे वो भेज सकते हो और मुझसे कंसल्ट कर सकते हो कि कहाँ तुम्हें कॉलेज मिलेगा और कहाँ कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो कट ऑफ की कोई नीड नहीं है, पहली बात AKTU में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हें तुम्हारा कोई कट ऑफ नहीं रहने वाला है, ठीक है। जिस बच्चे ने भी, जो बच्चा भी एलिजिबल है, और एलिजिबिलिटी मैंने बता रखा है कि पहले तुम्हारे पास डिप्लोमा है या BSc होना चाहिए, दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, तुमने वो सब्जेक्ट्स AKTU के लिए अगर तुम बैठ रहे हो तो ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है, मैथ, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के साथ साथ वो जो सब्जेक्ट था वो तुमने उसका एग्जाम दिया हुआ हो। और तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात ये थी कि तुमने AKTU को अपने फॉर्म में भी ऐड किया हो, अगर तुम ये तीनों किए हो तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो, चाहे तुम्हारे मार्क्स कुछ भी हो तुम आराम से इसमें बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आओ बैठो, किस्मत आजमाओ, ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात की बात है, और इसका कोई कट ऑफ नहीं है, ठीक है, आराम से तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तुम्हारी रैंक चाहे जो भी हो हमसे संपर्क करो, हम कराएंगे, ठीक है। अगर कॉलेज नहीं मिल रहा होगा तो भी हम बता देंगे कि नहीं मिलेगा, और अगर मिल रहा होगा तो भी हम बता देंगे भैया मिल सकता है, ठीक है। तो एक कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी कोचिंग वाले को कुछ भी नहीं पता है कट ऑफ के बारे में, जब तक ऑफिशियली डाटा वो लोग नहीं निकालते, जैसे DU ने निकाला तो DU के बारे में लोगों को पता चला, हमें भी पता है, तुम्हें पता है, सबको पता है, ऐसे अगर AKTU निकालेगा तो पता चलेगा, AKTU निकालेगा ही नहीं, ठीक है, टेंशन मत लो। तो तुम इन सब चक्कर में ना पड़ो, मैं जो कह रहा हूँ
उसको तुम ध्यान से सुनो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड धन्यवाद, जय हिंद। बाइक करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।